मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पंचायत ने दिया भाभी से शादी करने का आवेदन और उसके बाद युवक ने उठाया है ऐसा ये कदम। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी अपडेट, इसके ऊपर नजर डालते हैं कहां से आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने झारखंड के रामगढ़ जिले से आ रहा है, जहां पर एक गांव में 26 वर्षीय एक व्यक्ति रहता है। तो उस व्यक्ति ने अभी फांसी लगा के अपनी जीवन लीला जो है उसको समाप्त कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफी सारे ऐसे किस्से जो है, काफी सारी ऐसी पुरानी मूवीज भी हैं जो कि एक्चुअली में ऐसी लाइफ के ऊपर आधारित होती है, और अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जो पुराने बुजुर्ग है, जो पंचायत है, उसको एक्चुअली में वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर जो कि रामगढ़ जिला है, वहां पर जो कि बड़े भाई की विधवा है और उनके दो बच्चे हैं, उनके छोटे भाई को बोला गया पंचायत के दौरान कि एटलीस्ट वो अपनी भाभी से अभी शादी कर ले, उनको दुपट्टा चढ़ा दे कि उनका भी जीवन अच्छा रहेगा और उनका भी अच्छा रहेगा। जिसके कारण युवा ने एक अलग ही कदम उठाया, उसने फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बारे में पुलिस को जो कि पता है वो कि उन्हीं के पिताजी ने दिया, और पुलिस वहां पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अभी ये चीज बताया जा रहा है कि युवक को शादी करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध थे, इसीलिए वो शादी के लिए तुरंत बोल रहे थे कि वो तुरंत शादी कर ले, इसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर उसको प्रॉब्लम हुई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।